नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ आपके लिए, जो कि UPSC की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि इसको बोलते हैं BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कुल पद 309 पे भर्ती करने जा रहा है, जिसकी योग्यता आपके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। तो लास्ट डेट और अप्लाई कैसे करें और अदर डिटेल्स के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अभी सरकारीresult.com के ऑफिशियल पेज पे। ये इनका होम पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों UPSC BEO रिक्रूटमेंट 2019 फॉर्म। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2019 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्ट डेट है 13 दिसंबर 2019 7:27 AM। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2019 के लिए ये जो वैकेंसीज हैं रिलीज की गई हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आज भी 13 दिसंबर 2019 ही है, मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इस भर्ती को, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO रिक्रूटमेंट 2019। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स पे नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगनिंग ये 13 दिसंबर 2019 से ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10 जनवरी 2020 है, और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस 10 जनवरी 2020, लास्ट डेट कम्प्लीटेड फॉर्म 13 जनवरी 2020, और प्री एग्ज़ाम आपका नोटिफाइड सून, एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून, मतलब आपका प्री एग्ज़ाम कब होगा और आपके प्री एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब अपलोड किए जाएंगे UPSC की वेबसाइट पे वो आपके लिए जल्द ही बता दिया जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो दोस्तों जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी होगी ₹125, और SC और ST के लिए होगी ₹65, और PH कैंडिडेट्स के लिए होगी दोस्तों ₹25। और एप्लीकेशन फ़ी जो है आप SBI मोब्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI ई चालान मोड द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, 309 पद हैं यहाँ टोटल। तो आगे की जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी। तो आपके लिए इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एट एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आप किसी भी इंडिया से, मतलब आप पूरे इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपने किस कहीं से भी अपनी ये जो बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो मान्य होगा। एज लिमिट होगी आपकी 1 जुलाई 2019 के लिए 21 साल से 40 साल के बीच में, मतलब आपकी 1 जुलाई 2019 को 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 309 पोस्ट हैं, और यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए। आप यहाँ पर सरकारीresult.com पर आकर यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फी यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, सबमिट फाइनल फॉर्म और करेक्शन और एडिट, अगर आपके फॉर्म भरते समय कुछ करेक्शन करना है या आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड, यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं UPSC की। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, जो भी कैंडिडेट्स जॉब की तलाश में हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन BEO रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर हमने बात की खंड शिक्षा अधिकारी की यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। यहाँ पर कुल पद 309 है, योग्यता ग्रेजुएशन है, और आपकी लास्ट डेट मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो दोस्तों ऐसी अन्य जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर मैं जॉब नोटिफिकेशन से लेकर सबसे पहले आता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।